शादी पार्टी में अवैध हथियार की नुमाइश करना युवक को पड़ गया महंगा, करनी पड़ी हवालात की सैर। सोशल मीडिया में किया गया था वीडियो वायरल। आपको बता दें कि शादी पार्टी में अवैध हथियार से फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया गया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर समान थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम आईडी में एक युवक के द्वारा अवैध हथियार से फायर करने का वीडियो वायरल किया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर उक्त वीडियो को संज्ञान में लेते हुए फायर करने वाले युवक की पहचान शहर के छत्रपति नगर निवासी राहुल सिंह के रूप में की गई थी। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि राहुल सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा जब्त कर लिया गया है और मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की गई है। एक इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त वीडियो में त्वरित कार्रवाई के निर्देश प्राप्त किए थे। बाद में जब उस व्यक्ति की युवक की तस्दीक की गई तो राहुल सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हुई थी। उसमें वो किसी फायर आर्म से फायर करता हुआ दिख रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सिविल लाइन और गोविंदगढ़ की टीम को कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया था। पता चला कि वो फिलहाल छत्रपति नगर का रहने वाला है। तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसके पास से 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध 25-27 साल तक के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आगे की भी अभी जाँच की जा रही है। इस संबंध में भी जाँच की जा रही है कि सोर्स क्या है, आखिर आर्म्स आया कहाँ से।